रविवार सुबह दिल्ली का रोहिणी इलाका दहल गया। सीआरपीएफ के एक स्कूल के पास धमाका हुआ तो पुलिस के पसीने छूट गए। ये ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का जरूर था, लेकिन इसकी जांच में एनआईए से लेकर के एनएसजी और सीएफएसएल की टीम तक जुटी हुई है। पता ये लगाया जा रहा है कि क्या ये कोई हमला था या फिर एक हादसा। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सीआरपीएफ स्कूल के नजदीक धमाका। दहला दिल्ली का रोहिणी इलाका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार सुबह अफरा तफरी मच गई। घड़ी में सुबह के करीब 7:30 बजे थे, तभी एक जोरदार धमाके ने सबको दहशत में डाल दिया। रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ का स्कूल, इसी स्कूल की दीवार के पास सुबह सुबह ये धमाका हो गया, जिसके बाद पुलिस से लेकर एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच गई। आज सुबह तकरीबन अगर बात करें 7:57 के आसपास दिल्ली के रोहिणी में जो है ये सीआरपीएफ का जो स्कूल है, यहाँ पे एक संदिग्ध वस्तु के ब्लास्ट होने की सूचना आई। उसके बाद से लगातार जो है वहाँ पर स्कूल परिसर की मैं बात करूँ, जो ये अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें रोहिणी के सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के बाउंड्री वॉल के बिल्कुल उस स्थान की तस्वीरें हैं जहां पर आपको एनएसजी की टीम नज़र आ रही है। इसके अलावा एनएसजी के जो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो आपको नज़र आ रही है। मौके पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी मौके पर पहुँची हुई है। और जानकारी मिल रही है कि जो स्कूल परिसर के आसपास का जो हिस्सा था पूरा, वहाँ पर भी बहुत तेज़ धमाका हुआ और जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हुआ मौके पर। हालाँकि जो अगर प्रत्यक्षदर्शी की बात करें, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके का ये पूरा धमाका था उसके बाद से अफरा तफरी का एक माहौल हुआ, लेकिन जो पुलिस को कॉल की गई, मौके पर दिल्ली पुलिस की जो टीम पहुंची, उसके बाद से एफएसएल की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। और फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है कि दरअसल कौन सा ऐसा संदिग्ध सामान था जिसके वजह से एक ये बड़ी जो ब्लास्ट की जो घटना है वो निकल करके सामने आई है। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, मगर कई गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए, क्योंकि दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, लिहाजा इसके पीछे टेरर एंगल भी तलाशा जाने लगा। आनन फानन में एनएसजी और एनआईए की टीमों को मौके पर भेजा गया। बम स्क्वाड भी जांच में जुट गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठा किया। सीआरपीएफ के स्कूल के पास ये धमाका हुआ था। मौके से एनएसजी को सफेद पाउडर भी मिला, लिहाजा टेरर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। स्कूल के पास भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस इस हादसे के बाद हाई अलर्ट पर है। इस धमाके में हालांकि किसी की जान तो नहीं गई, ना ही कोई घायल हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में इस घटना की जांच पूरी गहराई से की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ साफ कुछ कहा जा सकेगा। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। अहले सुबह जैसे ही धमाका हुआ पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके का असर आसपास के कई इलाकों में देखा गया। वाइब्रेशन हो गए थे, धुआं हो गया था, एकदम फटते ही भड़म जैसी आवाज आई। अच्छा, तो उस टाइम भी किसी को आपने देखा कोई संदिग्ध आदमी? नहीं नहीं, कोई। फिर आप वहां गए उसके बाद? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो यहां तक आई थी उसके बाद? यहां तक पूरे एरिया में आई थी। अच्छा, देखो ना भाई, पूरे यहां से सारे कांच कांच हुए पड़े सारे। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली का चप्पा चप्पा पुलिस के लिए हाई प्रायोरिटी रहता है और ये धमाका रोहिणी में सीआरपीएफ के स्कूल के पास हुआ। ऐसे में पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस घटना की मॉनिटरिंग
केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है, साथ ही एनएसजी एनआईए जैसी प्रीमियर एजेंसियों को इन्वॉल्व कर दिया गया है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि ये हादसा था या फिर कोई हमला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।